हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि फाउंडेशन को किस तरीके से लगाना है और कैसे सिलेक्ट करना है स्किन के अकॉर्डिंग, ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी ग्रे दिखाई ना दे और बिल्कुल भी काला। तो चलते वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले बेल बटन को ऑन करें। कई बार आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम मेरा मेकअप काला हो गया है। मेकअप काला होने का मेन कारण यही होता है कि आपने फाउंडेशन स्किन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं किए होते हैं। तो आप सबसे पहले फाउंडेशन को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर फाउंडेशन को आप स्किन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका मेकअप बेला हो जाता है और 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपको मेकअप ग्रे ग्रे लगने लगता है। तो और सेकंड होता है कि आपने ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं की होती, फाउंडेशन को अच्छे से सेट नहीं किया होता, तो भी आपका मेकअप पैची पैची सा, केकी केकी सा, थोड़ा सा ग्रे लगता है। तो मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ किस तरीके से लगाएंगे और फाउंडेशन किस तरीके से चुनेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये चार फाउंडेशन है, मेबलिन फिट मी का, और इसका शेड नंबर है 310, और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। आप फाउंडेशन चूज़ करते टाइम कई बार टेंशन में हो जाते हैं कि मैम ऑयली स्किन के लिए कौन सा लें। सबसे अच्छी बात है कि आजकल हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी स्किन के लिए है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैंने इससे आपको मेकअप करके भी दिखाया है, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ये है मेबलिन फिट मी, शेड नंबर है 310। ये सेकेंड आ जाता है हमारा लैक्मे का, ये है लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, इसके अंदर SPF 8 है और ये भी फाउंडेशन मैट फॉर्म में ही है। ये भी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये नॉर्मल स्किन के लिए। ये भी ये है हमारा ग्लोई मेकअप करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। ये है लॉरियल का, लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन, और इसके अंदर थोड़ा सा शिमरी है। अगर आप चाहते हो आपका मेकअप थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा शाइन करे तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इन सभी के लिंक आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। purple.com पे अभी बहुत ही अच्छी सेल चल रही है, आई हार्ट ब्यूटी सेल, 500 ब्रांड पर 50% ऑफ मिल रहा है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है 10% और ज़्यादा ऑफ। तो लास्ट फाउंडेशन यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टे क्यूकी का, ये थोड़ा सा डार्क है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम चारों फाउंडेशन में से इनकी स्किन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी देखेंगे, आप जब भी फाउंडेशन लेते हो तो आप अपनी स्किन पर चेक करके देखिएगा, जो आपकी स्किन से अच्छा से मैच करता हो तो आप वो फाउंडेशन लीजिएगा बिल्कुल। और ये नहीं कि एक ऊपर ले लीजिएगा, एक थोड़ा सा नंबर, कई बार कहते हैं कि एक टोन ऊपर ले लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूँगी सेम स्किन का ले लीजिए। हाँ, आप कंसीलर के लिए जो लेते हैं वो आप एक टोन फेयर लीजिएगा तो उससे आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी स्किन का फाउंडेशन एक टोन फेयर ले लेंगे तो उससे आपका मेकअप कहीं ना कहीं ग्रे हो जाएगा। तो सब देखिएगा मैं किस तरीके से आपको चेक करके बता रही हूँ। और स्किन टोन जानना है आपको कि स्किन की पहचान कैसे करें, तो आप वो देखेंगे, मेरे वीडियो हैं स्किन टोन जानना है, स्किन अंडरटोन जानना है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो देखिएगा, बहुत ही अच्छे वीडियो लगेंगे आपको। ये है लॉरियल का, अगर आप गोल्ड में मेकअप चाहते हैं कुछ अच्छा सा। और सेकंड ले रही हूं मैं मेबलिन फिट मी, शेड नंबर है 310। इसको इसमें नहीं दिया गया कुछ भी, मुझे इसी से निकालना पड़ रहा है ये, और यहां पर भी लगाएंगे इस तरीके से। ये है मेबलिन फिट मी 310। इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे, लैक्मे में ये अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है, जिसका हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद आ जाते हैं स्टे क्योर की का, ये अगर किसी की डार्क स्किन है तो ये बहुत अच्छा शेड है, आप ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको। इस तरीके से इसमें पंप दिया गया है तो बहुत अच्छे तरीके से ये यहाँ पर निकल जाएगा, और किसकी डस्की स्किन है, डार्क स्किन है, तो ये आप ले सकते हो, ये देख सकते हो, आप देखिएगा शेड इनकी स्किन से मैच हो रहा है। आप मुझे जरा बताइए, ये बहुत ज़्यादा डार्क जा रहा है, ये थोड़ा सा डस्की का है, अगर मैंने इनकी स्किन पे ये लगाया तो इससे इनका कलर दब जाएगा, बहुत डार्क लगेगा। ये है जो मैंने लगाया था लैक्मे का, लैक्मे मैट इनविजिबल फिनिश, ये बहुत ज़्यादा फेयर है, तो अगर मैं ये लगाती हूँ तो
थोड़ी देर बाद ही मेकअप करते करते मैं इनका आई लुक करूँगी, तब तक इनका पूरा फेस थोड़ा थोड़ा ग्रे लगने लगेगा, और जैसे जैसे मेकअप कंप्लीट हो होता जाएगा इनका फेस और ज़्यादा ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा। तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं मेकअप में कमी है, मेकअप में कमी नहीं होती, आपके फाउंडेशन सेलेक्ट करने में कमी होती है। तो हमेशा फाउंडेशन को अपनी स्किन पर टच करके देखिएगा। कई बार क्या होता है, शॉप वाले आपको इस स्किन पर दिखाते हैं, ये स्किन हमारा, यहाँ से आप अंडरटोन जान सकते हो, जैसे मेरा आप देख सकते हो मेरा येलो अंडरटोन है, बट यहाँ पर मैं अगर इनमें से कोई भी फाउंडेशन लगा दूंगी तो ये बहुत फेयर है, फेस के अकॉर्डिंग ये स्किन हमारी फेयर होती है। तो आप कभी भी फाउंडेशन यहाँ मत लगवाइएगा, यहाँ से आप अंडरटोन जान सकते हैं बट स्किन टोन नहीं जान सकते। आप फाउंडेशन यहाँ सेलेक्ट करिएगा, कभी भी अगर आप चूज कर रहे हैं फाउंडेशन तो यहाँ लगा के देखिएगा, यहाँ पर नहीं, स्किन टोन आपका यहाँ से जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फेस के अकॉर्डिंग फेयर होता है ज़्यादा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेट्यूकी का, ये बहुत डार्क है, ये बहुत ज़्यादा फेयर है, और ये थोड़ा सा पिंक में है और इनका अंडरटोन येलो है। तो अगर मैंने ये लगाया इनकी स्किन पे तो भी मेरा मेकअप ग्रे हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जाता है हमारी स्किन पे, तो आप देख सकते हो इनका जा रहा है मेबलिन फिट में 310, आप ये देख सकते हो कितना अच्छा यही मैच हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि फाउंडेशन को किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान लगा होगा आपको कि कैसे सिलेक्ट करना है फाउंडेशन को। कभी भी आप मेकअप करते हैं फाउंडेशन को इस तरीके से सिलेक्ट करिएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे लगाना है। अब मैं इनको हटा दूंगी और फिर आपको लगाने बताऊंगी कि फाउंडेशन किस तरीके से लगाएं। और यहाँ पर यही शेड मैच हो रहा है, आप देखिएगा मैं इनको हटा देती हूँ, अगर मैं इसको मैच करती हूँ तो ये देखो यहाँ से ये बहुत फेयर हो गया, ये बहुत डार्क हो गया और ये बहुत पिंक पिंक हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके इनके स्किन को दबा देगा और ये बहुत परफेक्ट जा रहा है इनकी स्किन में, ये देख सकते हो ये बहुत परफेक्ट है, बीच वाला मेबलिन फिट में 310 ये बहुत परफेक्ट है इनके लिए। तो मैं आपको इनकी स्किन पे यही लगा के दिखाती हूँ। और स्किन केयर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो स्किन केयर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मेकअप करने से पहले आपको स्किन केयर करनी चाहिए। कंसीलर का वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर कि कंसीलर किस तरीके से लगाएं, उसके बाद ही आप मेकअप करेंगे। ये मेबलिन फिट मी 310 ही ले रही हूँ। और यहाँ से कभी भी फाउंडेशन लगा रहे हैं आप, ब्रश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप इस तरीके से डॉट डॉट करके लगाइएगा, इस तरीके से। आप चाहे तो अपनी फिंगर की हेल्प से फैला सकते हैं और आप चाहे तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी फैला सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से ही आपको, मेरी बहुत सारी और भी वीडियो है, मेरी ब्रश में थोड़ा प्रोडक्ट है तो इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ। अभी ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने, ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा वेट कर लेंगे और इस तरीके से आपको रगड़ना नहीं है, थोड़ा सा गीला करिएगा उसको, वेट करिएगा और उसके बाद निचोड़ लीजिएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हो कितना अच्छा आपका बहुत प्यारा सा एक बेस बनता जाएगा, और देख रहे हो फाउंडेशन की स्किन में बिल्कुल मैच हो गया है। आप इसको अच्छे से सेट करेंगे तो ही आपका मेकअप अच्छा दिखेगा, ये नहीं आप जल्दी जल्दी में कर दें और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दें और थोड़ी देर में वो आपको केकी सा नजर आने लगे। तो आपको अच्छे से सेट करना है जैसा कि मैं कर रही हूँ, ये देख सकते हो हमारा आईज एरिया रह गया है। अगर आप बेसिक मेकअप कर रहे हैं तो आप आई इसी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम आईज पे भी लगा लेंगे और दोनों साइड देखेंगे आप, बिल्कुल मेबलिन फिट में आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है और मीडियम बजट में है, और देख सकते हो कितना स्किन में मैच हो रहा है। आपको बिल्कुल अलग तो नहीं लग रहा ना फाउंडेशन, अगर आप बिल्कुल अलग लेंगे तो आपको वही प्रॉब्लम होगी कि आपका मेकअप ग्रे हो रहा है। कि आपका मेकअप ग्रे ना हो तो आप फाउंडेशन को बिल्कुल अच्छे से सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर भी मैं लगा रही हूँ इतनी क्वांटिटी में, और आपको अगर कंसीलर भी इसी से लगाना है आप ज़्यादा अच्छा कंसीलर एक टोन फेयर लें, लेकिन अगर यही लगाते हैं तो आप इसको इस तरीके से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और कंसीलर हमेशा हम वी शेप में इस तरीके से लगाते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे इस तरीके से कर लेंगे तो ये आपका आई बेस भी बन जाएगा, इससे आपको बहुत अच्छी आई शेडो उभर के आएगी। और ये देखिए मैं एक टोन फेयर है ये फाउंडेशन, लैक्मे का है,
तो इसी से आपको कंसीलर करके दिखा दूं कि आपके मेकअप में कितना फर्क आएगा। एक टोन फेयर है इसका शेड, कंसीलर पे थोड़ा सा हमें एक टोन फेयर ही लेना होता है ताकि हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट जो है उभर कर आ जाए। हमारा हो गया फाउंडेशन, आपको लगाने का तरीका पता चल गया कि फाउंडेशन को किस तरीके से लगाना है। अब और यहाँ पर कंसीलर भी मैंने आपको लगा के दिखा दिया, तो आप देख रहे हो हमारा जो कॉन्टूर एरिया है वो ऐसे ही रह गया थोड़ा सा डार्क, और हाइलाइटिंग पे किया तो और ज़्यादा ब्राइट हो गया, आप दोनों साइड देख सकते हैं। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर, देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया है, तब भी आप माउथ एरिया भी देख लीजिएगा मैं बिना कलर करेक्शन के आपको कितनी अच्छी कवरेज मिलती है मेबलिन फिटमी से। बिना कलर करेक्शन के आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलती है मेबलिन फिटमी से, इतना बिल्कुल नेचुरल लग रहा है आपको, फर्क तो नहीं लग रहा ना गर्दन में और इसमें। अभी मैंने गर्दन पे नहीं लगाया बट थोड़ा बहुत तो हम पार्टी वगैरह में करते हैं तो गर्दन पे भी लगाना पड़ेगा, बट एकदम से आप सोचेंगे मैं बिल्कुल फेयर ले लूँ, फेयर टोन का फाउंडेशन लगा लूँ अपने, तो उससे आपका मेकअप काला हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही कन्फ्यूजन होती है कि आपका मेकअप, आपको यही नहीं पता होता है कि आपका मेकअप काला क्यों हो रहा है। मेन आपका मेकअप काला होता है आपके कंसीलर सेलेक्ट ना करने के कारण, आपके फाउंडेशन सही से सिलेक्ट कर ना करने के कारण। तो कभी भी मेकअप करते हैं आप फाउंडेशन को कंसीलर को अच्छे से सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद ही करिएगा तो आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। आप मेरे चैनल से ऑनलाइन पार्लर कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर बिल्कुल डिटेल में मिलेंगी आपको। और अभी मैं सिखा रही हूँ प्रोफेशनल कोर्स और बेसिक कोर्स दोनों ही, का कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मेरी 600 वीडियो ने जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको और ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें फाउंडेशन का चुनाव करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और स्किन अंडरटोन, स्किन टोन जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो हैं वो भी चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मेकअप करना और ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो मैं आपको इन प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक करना मत भूलिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और पर्पल की ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो मैंने ऑयली स्किन की फाउंडेशन दिखाया आपको, नॉर्मल भी दिखाए, और थोड़ा सा ग्लोई फाउंडेशन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं लॉरियल का। और मेबलिन फिट मी मीडियम स्किन टोन है इनका, तो आप ले सकते हैं मीडियम स्किन टोन के लिए शेड नंबर 310। बिना कलर करेक्शन के आप मेकअप करना चाहते हैं तो इस तरीके का मेकअप बेस बना सकते हैं। और ब्यूटी ब्लेंडर मैंने कलर बार का लिंक दे दिया, आप वो चेक कर सकते हैं, मेरी ब्रश की ब्यूटी ब्लेंडर की बहुत सारी वीडियो है तो चेक करिएगा। purple.com पे चल रही है आई हार्ट ब्यूटी सेल, वहाँ से 500 ब्रांड पे आपको मिलता है 50% ऑफ, और 10% मिलता है मेरे कूपन कोड से, मेरा कूपन कोड है get100। वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऐसे ही छोटे छोटे नए नए वीडियो लेकर आऊँगी आपके साथ, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।